स्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं मिजाज आप सबके? और तेज बोलें। बुजुर्गों के चेहरों की ज़ियारत से जब शर्फियाब हों तो जिस्म के अंदर तमन्नाई आ जानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक पर चलने वाले एक अंगूठी पहनते हैं। एक अंगूठी, ये देखिए, तेज़ हवा चले तो अपनी जगह बदल ज़रूर देगी। एक अंगूठी पहनते हैं। नगीना कुछ देर पहले देखा था ना, देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना वो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सैयदों की अंगूठी का नगीना था। और वो मिंबरे नूर से उठ करके मेहमान किसका बनने वाला है? मेरे नाना जान के घर का। अब आप सोचें कि जाहिर सी बात है जब सैयद लोग अंगूठी पसंद करते हैं और अंगूठी के नगीने को इंतखाब करते हैं तो इंतखाब कैसा हुआ करता है? एक इंतखाब वो जब चांद के सामने मेरा चांद बरेली का आ जाए, मध्यम होते हुए नजर आ जाए। एक नगीना वो जब वहाबियों के दरमियान आए, सुलेकुल्लियों के दरमियान आए। और लल्ला बहुत दूर से आया था, तड़ी पार कर दिया है, उसके दरमियान एक मर्तबा बोले। हजारों मर्तबा आमो दरफ्त का सिलसिला बंद हो गया। बुजुर्गों का काम यह है निगाह अदने पर पड़े, आला बना दे, और आला पर शरीयत के मुताबिक अमल न करता हुआ नजर आए तो वो इतनी तह इतनी गहराई में चला जाए कि घर वाले तलाश करें तब भी ना मिल पाए। यही कमाल सैयदना हुजूर दारुश शरिया कुद्दस रूहुल अज़ीज़ में था। और यही कमाल है बा कमल अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में सैयदना हुजूर मुहद्दिस कहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो हमारा मरकज, हमारा मरकज, हमारा मरकज बरेली शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और लल्ला ये मरकज़े अहले सुन्नत कल था जिसका दावा मेरे घर के बुजुर्गों ने किया है, बाद में लोगों ने किया है, आज घर वाला दावा कर रहा है और कयामत तक नस्लिन बादा नस्ल दावा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं लल्ला? अब जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हुजूरे सैयदना ताजुश शरिया कुद्दस सिर्रहुल अजीज गए, गए बेटे को दे गए, दे गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ों का कमाल देखे है ना अल्लाह। और ये माशाल्लाह राइट एंड लेफ्ट मेंबरे नूर तो मुफ्ते नूर बना हुआ है। मौक्कर उलमा इकराम की जलवागरी है। और लल्ला हमारे इमाम इमाम अहले सुन्नत ने जो जमात दी है जमात रजाए मुस्तफा है ना, उसके सेरे इहतमाम आज का मकबूल महफिल नूर इनकाद हुआ है। मकबूल महफिल नूर इनकाद हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फकीर कादरी की दुआ है कि इस जमात के साथ आप सब मेरे दिल के टुकड़े बन करके शरीक हो जाएं। कल दावत सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु अता की थी, वही दावत सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने आम की, वही दावत सैयदना हुजूर दारुश शरिया ने आम की, वही दावत आज आप तक को ये फकीर कादरी दे करके जा रहा है। सुभान अल्लाह। जमात रसाए मुस्तफा को मजबूत तो वो है ही लल्ला, इतने बुजुर्गों की हिमायत है, इतने बुजुर्गों की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बज़ाहिर हम लोगों के चलने फिरने की हरकत से इसको जरूरत है।
अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो बस अर्ज करना चाहूंगा कि इंशाल्लाह जमात रजाए मुस्तफा इस पूरे सूबे कर्नाटका में जहां जहां इसकी ब्रांचेस हैं, जहां जहां इसकी शाख है, इसको मजबूत तो है ही लल्ला, ये वो दरख्त है जो कभी खुश्क नहीं होने वाला है। दावत दे करके जा रहा है कि इस दरख्त के साए में आ जाओ इंशाल्लाह, सुभानअल्लाह, इस दरख्त के साए में आ जाओ बस। और अरे लल्ला उसका तस्करा क्यों करके उसका भाव बढ़ाते हैं, वो तो ऐसे ही दफन हो चुका है। हम बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह, और लल्ला गुलामान आला हजरत अजीमुल बरकत बारिश के बुलबुलों को खातिर में नहीं लाते, कोई भी हो, लेकिन जब बरेलवी रंग चढ़ता है तब चोखा होता है। बरेली का काम है सच्चा अगर चुन गया तो जर्रे से आपका बन गया, सच्चा अगर चुन गया है तो छोटे से बाप बन गया है, सच्चा अगर चुन गया है तो कतरे से दरिया बन गया है, और बड़ा अगर गुस्ताख हो गया है तो साथ पह के अंदर चला गया है। एक नहीं है लल्ला, बड़े बड़े महाराज हैं, बड़े बड़े महाराज हैं, समझ रहे ना लल्ला, पता नहीं चल रहा है कि कहां है आज। पूरी उतारी थी वॉकिंग डिस्टेंस की, बस बस जब उतारी थी उनकी तो बस इतनी दूरी थी उनके कयामगाह से और मेंबर नूर की, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और लल्ला हम लोगों के दरमियान तो सैयदना सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला वारदान नाने ऐसी मुकद्दस पाकीज़ा हमेशा रोशन रहने वाली और रोशनी देने वाली शमा, वो इस दौर में जो बन करके पूरी दुनिया को रोशन करने के काम आने वाली चीज़, वो सैयदना हुजूर ताजुश्शरिया कुद्दस सिर्रुल अज़ीज की है। उससे बस मोहब्बत करते रहो, इरशादात पर अमल करते रहो इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दो बुजुर्गों को अता किया, एक की ज़ियारत से मुशर्रफियाब हुए, माला माल हुए, दुआएं खुद ली, और एक से अभी दुआएं आप लोगों ने हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानू इस मुकद्दस ज़ात आली का साये करम हम सभी के सरों के ऊपर तादेर आमीन रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मुकद्दस मंबरे नूर पर शहजादाए वफार सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर भी तशरीफ रखते हैं, अल्लामा मुफ्ती खलील साहब क़िबला, ये मिज़बानी है। हाय हाय सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं ना, सुभान अल्लाह, कि बड़े बड़े मिज़बानी इनसे डरते और लरसते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह, ये मिज़बानी अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला, बेबाक लहजा है, है ना। अब बड़े का तस्करा हो जाता है तो छोटों का तस्करा तो यूं ही हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब एक कबील के लोग होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक का, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ लल्ला कि ओर से इस्माइली के मौके पर आस्तान फलक सरकाराने मसौली शरीफ की बारगाह में एक से एक आराम फरमा है दर्जनों, लेकिन आराज की तकरीबात होती हैं जिक्र आला हजरत का होता है। मैं समझता हूं कि जिक्र आला हजरत में, तस्करा आला हजरत में हमारे खानकाह के सारे बुजुर्गों का तस्करा हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सच्चे बरेलवी का जब एक तस्करा होता है तो इनसे जुड़ने वाले मैं भी, मेरा भी हो जाता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। और आज की तकरीब सईद उर्स सरापा कुस्त हजरत सैयदना रज़ाक शाह कादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्वारदान ना, सुबहानअल्लाह ये सिलसिला कादरिया रज़ाकिया का फैज़ है जो चहार सिमत, ये चहार सिमत नजर आ रहा है, बड़ी मकबूल महफिल नूर सजी है ना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहु साहिब उर्स के फ़ियूज़ बरकात हसनात से हमें और आप सबको मालामाल फरमाए।